मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी की कॉमन सेक्शन या केबीएस पेडागोजी की, जो आपका पीआरटी टीजीटी पीजीटी के सिमिलर रहेगा और जिसका नाम है हमारा एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। उसी का सेकेंड यूनिट है हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से जो क्वेश्चन आएंगे, आपके 15 नंबर के आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले केबीएस के एग्ज़ाम में, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक डिजिटल कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए टीचर इन ए डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, पहला दूरस्थ अधिगम प्रकार में क्रियात्मक तकनीकी, मतलब ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस लर्निंग मोड। ऑप्शन बी एक सुविधादाता बींग ए फैसिलिटेटर। ऑप्शन सी कक्षा की निगरानी करना मॉनिटरिंग द क्लास। ऑप्शन डी गहन चिंतन को बढ़ावा देना प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि डिजिटल क्लास की या डिजिटल क्लासरूम की। तो जब हम बात करते हैं डिजिटल क्लासरूम की, तो डिजिटल क्लासरूम में यहाँ पर जो हमारा टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, एक सुविधादाता की। यह टीचिंग लर्निंग जो हमारी प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें जो टीचर होता है उसका बहुत मेन रोल होता है। वो केवल कंटेंट को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, उसके साथ साथ में उसको बहुत सी भूमिकाएँ निभानी होती हैं, बहुत से रोल निभाने होते हैं। ठीक है, तो वो भूमिकाओं रोल को निभाते निभाते उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक अच्छी सुविधादाता, ठीक है, सुविधादाता या फैसिलिटेटर की हम बात कर लेते हैं, फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, फैसिलिटी को हमको उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे हमको उसको यूज़ करना है, तो वो एक ऐसे फैसिलिटेटर भी वहाँ पर होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं सुविधादाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सुविधादाता के रूप में उसके कार्य करना पड़ता है। काम क्या होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स, स्टूडेंट जो होता है टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू उन पर ध्यान देना और उनके ट्रेनिंग लेवल को इंक्रीज करना या उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर है या सुविधादाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पर एक रोल है, एक भूमिका है कि वो एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ बच्चे अपनी वास्तविक क्षमता के साथ में या अपने एक्चुअल या रियल पोटेंशियल को यूज़ कर पाएँ, अपने रियल पोटेंशियल को जान पाएँ और उसको उस वे में यूज़ कर पाएँ। और क्या होता है, एक टीचर वो होता है, एक शिक्षक वह होता है जो इनोवेटिव नवाचार या नए नए फैसिलिटी को यूज़ कराना, ठीक है, एक कार्य शोध करता, नए नए रिसर्च को कंडक्ट कराना, ठीक है, प्लानिंग बनाना, मैनेजमेंट करना, कंटेंट डिलीवर करना या कंटेंट प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एज ए लीडर लीड करना उनको, एज ए गाइडर, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको कोऑपरेशन देना, वहाँ पर ऐसी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं एक टीचर को क्लासरूम में। ठीक है, और क्या होता है, बच्चों को या बच्चों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की मुख्य भूमिका है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रोल ऑफ द चाइल्ड लिटरेशन इन प्राइमरी लेवल। यह सरल और आसान है, इट इजी एंड, ठीक है, दूसरा इसकी रंगीन तस्वीर से भरा हुआ होता है, कलर्ड इमेज इसमें दी गई होती हैं। ऑप्शन थर्ड ये भाषाओं की विविधता प्रदान करता है, मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। फोर्थ हमारा है इसकी पढ़ाई स्कूल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड लिटरेचर की या बाल साहित्य की। ठीक है, जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं यहाँ पर, चाइल्ड लिटरेचर या बाल साहित्य की, ठीक है, तो बाल साहित्य की जब हम बात करते हैं तो बाल साहित्य का क्या रोल होता है प्राइमरी लेवल पर? देखो, जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब भी हम साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यात्रा वृतांत, मतलब हमारी ट्रैवलिंग या जो हमारा, ठीक है, दूसरा हमारा अभिनय नाटक, यहाँ पे ड्रामा या नाटक की हम बात कर लेते हैं, संस्मरण की हम बात कर लेते हैं, कविताओं की हम बात कर लेते हैं, कहानियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नाटक और उपन्यास के रूप में। ठीक है, और
नाटक और उपन्यास के रूप में जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर बाल साहित्य से बच्चों के अंदर, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर होता है भाषाई विविधता को उनको समझाना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, विभिन्न बैकग्राउंड की भाषाओं के बारे में उसको जानकारी देना। ठीक है, कैसे, जब हम चाइल्ड लिटरेचर की बात करते हैं या बाल साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य को पढ़ने के लिए, ठीक है, साहित्य को पढ़ने या भाषा को जानना या साहित्य को जानना, उसके लिए जो लिटरेचर होता है वो हमारा एक प्रमाणिक या जिसको हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स होता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की शैलियों का प्रयोग किया गया होता है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया होता है, जिससे कि बच्चों का जो शब्द कोश है, जो उनका भाषा का ज्ञान है, ठीक है, उसमें भी मजबूती मिलती है, उनमें भी इन्हेंसमेंट होता है। और बाल साहित्य का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चाइल्ड साहित्य लिटरेचर का और उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति को जगाना या इमेजिनेशन को जगाना, इमेजिनेटिव पावर को डेवलप करना, इसके साथ साथ में उनको अपनी काल्पनिक दुनिया या फैंटेसी की वर्ल्ड में मूव कराना, मतलब जहाँ पर वो अपने विचारों को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, और क्या होता है, वहाँ पर जो चित्र दिए गए होते हैं, जो वर्ड लिखे गए होते हैं, उन चित्रों को विचारों से जोड़कर, ठीक है, उनके अंदर महत्वपूर्ण जो कौशल होता है वो क्या होता है, थिंकिंग या सोच को डेवलप करना। इसके साथ साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट का या सॉरी चाइल्ड लिटरेचर या बाल साहित्य का और क्या काम होता है, बाल साहित्य बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को, मानसिक विकास को बढ़ाता है, विस्तृत करता है, उनको ब्रॉड लेवल में करता है, उनके अंदर परफेक्शन को जेनरेट करता है, मतलब पूर्णता प्रदान करता है, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है, अनुभव व्यापक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग लाई जाने वाली चाहिए, प्रयोग में लाई जानी चाहिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है पुरस्कार व दंड का प्रयोग, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार और यहाँ पे हम पुरस्कार की तो बात कर लेंगे, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चे को रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना, बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे बच्चों को कि मोरल को बहुत बूस्ट करें, बच्चा आगे बढ़े, लेकिन इसमें दिया गया साथ में पनिशमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है रिजेक्ट। अगला हमारा कॉम्पिटिटिव फीलिंग, एक कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। ठीक है, तो देखो एज ए टीचर आपको कभी भी अपने बच्चे के अंदर क्या करना है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग को डेवलप नहीं करना है, आपको बच्चे के अंदर डेवलप करना है कोऑपरेशन की फीलिंग, सहयोगात्मक रवैये की फीलिंग। तो हमारा दूसरा अभी यहाँ पे डेवलप, दूसरा ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारा कंपेरेटिव मूल्यांकन या कंपेरेटिव इवेल्युएशन, तुलनात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर ए भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा सहयोगात्मक अधिगम, कोलाबरेटिव लर्निंग। ठीक है, देखो एक कोलाबरेटिव लर्निंग जो है हमारी, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जिसको हम, इसमें बच्चों का ग्रुप रहता है, ठीक है, बच्चे विभिन्न प्रकार से, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के लर्निंग स्टाइल से चीज़ों को सीखते हैं, जिसमें विद्यार्थी या हमारे शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट के मध्य ये दोनों ज्वाइंटली वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो या दो से अधिक छात्रों का एक समूह बना दिया जाता है और पारस्परिक रूप से, मतलब एक दूसरे दूसरे से ज्वाइंट होकर वो चीज़ों को समझना, उनकी प्रॉब्लम को ढूंढना, ठीक, प्रॉब्लम का समाधान करना, और समाधान करने के बाद में उसको अप्लाई करना या किसी नए उत्पाद को बनाना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, कोलोबरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे बात हो रही है माइक्रो टीचिंग, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट, हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग, यहाँ आप सबको मालूम है कि जो माइक्रो टीचिंग है उसको स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं, या सूक्ष्म शिक्षण हमारा जो होता है अब्सिडियन शिक्षण भी जिसको कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक एक स्किल को परफेक्ट किया जाता है, एक एक स्किल में बच्चे को पारंगत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम स्किल्स के डेवलपमेंट पर, स्किल परफेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा एक स्किल में परफेक्ट होगा, हम उसको नेक्स्ट स्किल में परफेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी हम जिनको बोलते हैं सूक्ष्म या माइक्रो स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन, टेलीफोन लाइनों पर कंप्यूटर फाइल को प्राप्त करने और भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, मतलब इंटरनेट पर, ठीक
फाइल को रिसीव और सेंड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर प्रयोग होता है आपका मॉडेम का, ठीक है, जिसको जो सिग्नल को एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फ्लॉपी डिस्क में हम डेटा स्टोर करते थे पुराने टाइम में, मॉडर्न टाइम में फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल रिमूव हो गई, गायब हो गई। लाइट पिन का प्रयोग एज ए इनपुट डिवाइस करते हैं, स्क्रीन टच की तरह प्रयोग होता है। और MICR का यूज़ होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, जो हमारी OMR वगैरह होती है उनको यहाँ पर स्कैन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, सहायक सामग्री या उपकरणों का उपयोग शिक्षा को कैसा बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री है इसको हम बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM। यह हमारे डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर हमारे उपकरण या टूल्स हो जाएंगे, इनका प्रयोग शिक्षण को कैसा बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल, बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रुचिपूर्ण बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन से कारक शिक्षण अधिगम के दौरान आपके विषय वस्तु वितरण को प्रभावित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट योर कंटेंट डिलीवरी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट की बात हो रही है, जब हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे होते हैं जो कंटेंट हम ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों को, ठीक है, जो कंटेंट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वहाँ पर कौन सा रोल यहाँ पर होता है, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट की, ठीक है, या हम कोई भी और बात करते हैं आगे क्लास में, हमको कुछ भी ट्रांसफ़र करना रहता है, चीज़ों को हमको बढ़ाना रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों की शुद्धता और सटीकता, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द वर्ड, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु की स्पष्टता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम के दौरान विषय वस्तु के वितरण को प्रभावित करते हैं? अगर हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं और कंटेंट डिलीवरी के टाइम कॉन्सेप्ट या कंटेंट में क्लियरिटी नहीं है, कंटेंट स्पष्ट नहीं है, तो वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को वहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी नहीं, और बच्चे को कंटेंट समझ ना आने का मतलब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल पैसे मोड में चली जाएगी या पैसे मोड में चली जाएगी, और हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर शिक्षण का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सा है? छात्रों को ये समझ में आना चाहिए शिक्षक क्या कहता है, मतलब क्लास में टीचर जो बच्चों से बोलता है, जो डील करते हैं, वो बच्चों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए वहाँ पे, समझ जाए वहाँ पे। दूसरा, उनके विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराना, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए क्या है, कुछ टीचर होते हैं नॉर्मली 2 दिन पढ़ाने के बाद में सिलेबस आपको PDF भेज दिए, बच्चे को समझ आए चाहे ना आए, ठीक है। यहाँ पर कभी भी एक टीचर का स्किल नहीं होता है सिलेबस को पूरा कराना, सिलेबस को वही पूरा कराता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सिस्टमेटिकली आगे या बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। अगर आप बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो केवल 15 मिनट टीचिंग होती है, 15 मिनट बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और कोर्स पूरा कराने के लिए बहुत मोड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि, ठीक है। अगला हमारा रहेगा, पढ़ाने के दौरान छात्रों को तनाव मुक्त रखना, ठीक है, यहाँ पर इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जब हम बच्चों को समझेंगे, छात्रों को जब समझ में आ जाएगा, छात्रों को समझ में आना चाहिए शिक्षक क्या कहता है, तो ये वाला यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। नियमित रूप से कक्षाएं लेना, ये भी कोई हमारा महत्वपूर्ण कौशल नहीं। महत्वपूर्ण कौशल क्या है, टीचर को बच्चे समझ पाए, बच्चा टीचर को समझ पाए ये क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षक शिक्षण को डैश बनाने के लिए दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है, चार्ट मॉडल की बात हो रही है, क्यों प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर फिर वही आ जाएगा, टीचिंग को रुचिकर बनाने के लिए या टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10th, कक्षा की अंतःक्रियाओं का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है, प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी डन बाई क्वेश्चनायर प्रश्नावली के द्वारा, ऑब्जर्वेशन अनुसूची ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा,
ठीक है, यह हमारा परीक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन है उसका जो हम प्रॉपर अगर एवेल्यूएशन करेंगे तो वो उसके लिए हमारा रहेगा रेटिंग स्केल के साथ साथ में शेड्यूल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवलोकन अनुसूची, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहेगा, निम्न में से कौन से शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, संगोष्ठी और श्रुति लेख, जिसको हम बोलेंगे सेमिनार और डिक्टेशन, श्रुति लेख और दत्त कार्य, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, संगोष्ठी एंड परियोजना, या जिसको हम बोलेंगे सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, लास्ट हमारा लेक्चर एंड डिक्टेशन। तो यहाँ पर हमारी सबसे उपयुक्त उपयोग सबसे मोस्ट सुटेबल तो वो क्या होगा, वो होगा होगा हमारा सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, यहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिवली पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षक हो सकता है, ठीक है, टू बी एबल टू क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर्स, यहाँ पे बात हो रही है क्लासरूम में, ठीक है, इन्वायरमेंट कौन सा, क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट या सकारात्मक सीखने के लिए वातावरण को तैयार करना, एक तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, फॉलो द फिक्स टाइम टेबल। ठीक है, अगर हम फिक्स टाइम टेबल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करने के साथ में पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाए। यहाँ हो सकता है कि आप फॉर्मेलिटी करें या चीज़ों को यहाँ पर हम टालें या हम चीज़ों को बाइंड अप कर दें, बच्चे को बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना रखें, ठीक है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा, पुरस्कार और सजा का प्रयोग करके, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला हमारा रहेगा, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना और एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशन विद इन लर्निंग, यहाँ पर बच्चों की फीलिंग्स को, बच्चों के इमोशंस को, बच्चे के संवेग को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हिस्सा लेना, मतलब इंक्लूड करना, बच्चों की इमोशंस को समझना, बच्चों के अकॉर्डिंग डील करना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको समझना, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना और एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्प में से है। यहाँ पे बात हो रही है हर्बर्ट की, ठीक है, हर्बर्ट की किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हर्बर्ट की, जिसको हम बोलते हैं पंचपदीय प्रणाली या फाइव स्टेप। तो हर्बर्ट के फाइव स्टेप कौन से, उनकी हमको बात करनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब उनका सिस्टमेटिक सिक्वेंस क्या है। पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रेजेंटेशन, दूसरा हमारा कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, यहाँ पर जो हमारा हर्बर्ट का सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर क्या, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, दूसरा हमारा आता है यहाँ पर, प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारी प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप यहाँ पे क्या रहता है, दूसरा स्टेप हमारा रहता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तीसरा हमारा क्या रहता है, तीसरा हमारा यहाँ पे हर्बर्ट का वो रहता है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन तो रहता ही, इसके साथ साथ इसको हम कंपेरिजन भी बोल सकते हैं। ठीक, चौथा हमारा रहता है यहाँ पर, जो चौथा रहेगा वो क्या रहेगा, चौथा हमारा रहता है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। ठीक है, और लास्ट हमारा यहाँ पे रहता है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रयोग। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यकरण, पांचवा हमारा अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें
उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्प पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे बात हो रही है, एक एग्जीबिशन होना है और बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया है कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट में चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए ग्लू की बोतल दी गई और बोल दिया गया है इसी से आपको सब चीज़ें मैनेज करनी है, आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन दिए गए देख लेते हैं। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया गया, किन में नहीं, मतलब एक किस लिस्ट बनाएंगे वहाँ पे हम बताएंगे किन किन चीज किन किन प्रोजेक्ट में किन किन चीज़ों में गोंद का प्रयोग किया गया या ग्लू का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा हमारा हो जाएगा अपनी परियोजना या अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ ही छात्रों को से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने को कहेंगे जो चिपचिपी हैं, मतलब जो ऑलरेडी विदाउट ग्लू की चिपक सकती हैं, उन चीज़ों को लिस्टिंग करना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट में हर चीज़ चिपकने वाली होगी या जिसके अंदर ग्लू होगा, ठीक है। तीसरा है हमारा, छात्रों को एक साझा रजिस्टर लिखने को कहेंगे जिसमें वो मेंशन करेंगे उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। तो ये हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो भी यूज़ करेंगे मेंशन करेंगे, जब उनको लगेगा कि हमको मेंशन करना तो वो फिक्स क्वांटिटी में करेंगे, उसका मतलब उसका मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, ऑप्शन पहला है योजना, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग, दूसरा हमारा सामान्यकरण जिसको हम बोलेंगे जनरलाइजेशन, ठीक है, पहला प्लानिंग, दूसरा सामान्यकरण, तीसरा हमारा एक्सप्लोरेशन और चौथा हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, प्रस्तुतिकरण या जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ही हम चीज़ों को फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मेमोरी लेवल का हमारा मॉडल है, ठीक है, ये हमारा अगर क्वेश्चन आता तो मेमोरी लेवल का मॉडल कौन दिया है, मेमोरी लेवल का मॉडल आपके दिए हैं कौन, हर्बर्ट, ठीक है, और जो हमारा बोध स्तर का इसको दिए हैं मॉरिसन, ठीक है, और इसके साथ में हमारा एक है कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल का, उसको दिए हैं कौन, हंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं, ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एक बार इंग्लिश में सुन लेते हैं, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और माइंड टूल यूज्ड फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प लर्नर्स एंड इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मेशन बाय मेकिंग ए ग्राफिक इन कोऑपरेशन विद अदर। पहला है हमारा अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, हाइपर मीडिया, भावभंगिमा या गेस्टरल प्रॉम्प्ट्स। अगला हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, 16 में ए। यहाँ पर क्या, ज्ञान प्रबंध करने के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है, दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद करता है या हेल्प करता है, तो वो हमारा होगा क्या, कॉन्सेप्ट मैपिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ICT के सूचनात्मक उपकरणों के उदाहरण हैं, वीडियो के लिए, स्प्रेडशीट, चैट, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेब, ठीक है, www.worldwide web, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के कौन कौन से पहलू हैं, सामग्री, मटेरियल, सीखने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, शिक्षण गतिविधियाँ, टीचिंग एक्टिविटीज़, अगर हमारा मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन में ये हमारी चारों चीज़ें आ जाएंगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। कोई सजेशन, कोई कमेंट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।